नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे लैपटॉप पे या अपने पीसी पे स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस तरीके से आप YouTube के लिए वीडियो बना सकते हैं या फिर आप जिस भी रीज़न के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर नाम का एक ऐप है, वो हम डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर फ्री डाउनलोड फॉर लैपटॉप, ठीक है दोस्तों। ये टाइप करने के बाद में आपको जो ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ से देखना है। आपको दोस्तों ये ऑप्शन देखेगा यहाँ पे डाउनलोड फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर फ्री लेटेस्ट वर्जन, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ देर इंतजार करना है और आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखो दोस्तों ये हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। दोस्तों मोस्टली क्या करते हैं, हम लोगों को लैपटॉप या पीसी पे अब रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत आती है, हम लोग फ़ोन पे ट्राई करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये आपकी एक अच्छी ऐप है, इसको आप इस्तेमाल करके आप ईज़िली जो हैं वो अपने वीडियोस बना सकते हैं। आप जितना भी टाइम इस पे लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं और यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड करने के बाद में आपको मैं आज पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको वीडियो बनाना भी इस पे सिखाऊंगा, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो गया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन विथ फोल्डर करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, साइड में जो आपके एरो दिया हुआ है ऑप्शन का उस पर जाना है आपने शो इन फोल्डर। दोस्तों आप शो इन फोल्डर में जाओगे तो आपकी जो ऐप डाउनलोड है वो आपको ईजिली सामने दिख जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप इसे डेस्कटॉप ले जाना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप ले जा सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद इसको मैं डेस्कटॉप पर ले जाऊँगा क्योंकि ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा इसको एक्सट्रैक्ट करना। दोस्तों मैं यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक एक्सट्रैक्ट हेयर, तो हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो है वो सॉफ्टवेयर यहाँ हमारे पास आ गया है, तो हमें इसके ऊपर डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसा एक ऐसा ऑप्शन आएगा, इस पर आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज के कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश में ठीक हूँ तो मैंने इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सी का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो इसे सी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से ब्राउज़र का ऑप्शन यूज़ करने के बाद आप चाहें तो किसी भी फोल्डर में या किसी भी ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एफ़ में क्लिक करेंगे तो ये एफ़ में आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ई में करेंगे ई में चला जाएगा और सी में तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन में है ये सिलेक्टेड है, तो आप जिस भी जगह पर इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं आप वहाँ पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे इसे सी में इंस्टॉल कर रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पे इसको एफ़ में इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे सी था पहले जो कि अब यहाँ पे एफ़ हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम ऑप्शन करना है यहाँ से जाना है नेक्स्ट का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा वो एग्जिस्ट है इंस्टॉलेशन के लिए, तो हमें इसको सी में ही करना पड़ेगा।
इसके लिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिर से ट्राई करेंगे। ट्राई करने का दोस्तों हमारे पास फिर से ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो भी सिलेक्ट करनी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ से करना है नेक्स्ट। इसके बाद हमें फिर से यहाँ नेक्स्ट करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम इसे फिर से यहाँ नेक्स्ट करेंगे। ये आपके दोनों जो ऑप्शन हैं वो दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, क्रिएट क्विक लॉन्च आइकन। दोस्तों यहाँ पे अगर इन ऑप्शंस को हम इनेबल कर देते हैं तो ये जो भी है वो इसका शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे बन जाएगा। अगर हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो इसका शॉर्टकट हमें डेस्कटॉप पे देखने को नहीं मिलेगा, डेस्कटॉप स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, वो आपको फिर यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने ये दोनों टिक कर रखे हैं और आप भी इसे टिक ही करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये आपको पाथ दिखा रहा है कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो किस जगह पे इंस्टॉल होने वाला है। दोस्तों ये सी में जाके प्रोग्राम फाइल में जो आपका 86 है उसके अंदर थंडर सॉफ्ट के अंदर फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर में वहाँ पे ये जाके जो है वो इंस्टॉल होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का वो उसको आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो इंस्टॉलेशन के लिए प्रिपेयर है और इंस्टॉलेशन हमारी वो शुरू हो चुकी है। हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पूरी हो चुकी है और उसके आगे बाद में आपको फिनिश पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ रिकॉर्डर पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपका वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है वो वीडियो आपका स्टार्ट हो गया है, यहाँ टाइमिंग दे रही है। उसके बाद हम इसको करेंगे स्टॉप। स्टॉप करने के बाद दोस्तों आपको ये जो वीडियो है उसके जाना है आपको फोल्डर में। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ऐप में। देखिए दोस्तों ये है जो मैंने आपको यहाँ वीडियो बनाई है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वीडियो यहाँ बन चुकी है। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए वीडियो दिखा दी है जो मेरी बनाई थी मैंने। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों देखिए सेटिंग कैसे करते हैं। सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से जाना है सबसे पहले सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जब आपको जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ सेटअप्स मिलेंगे, आपको उनको सही करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला सेटअप है वो है टारगेट। टारगेट दोस्तों आप क्या चाहते हैं, जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर वो आपकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करे, जो भी आपका डेस्कटॉप में आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है वो फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करे, आप उसके लिए यहाँ से फुल स्क्रीन का जो है ऑप्शन दबा सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो आप यूज़र डिफाइंड भी कर सकते हैं, या आप जो कैमरा से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं जो कि आपके लैपटॉप का या पीसी का जो भी कैमरा है आप उसके साथ करना चाहते हो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कैमरा की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे से एक ही ऑप्शन है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जूम इन वाइल रिकॉर्डिंग, क्या आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप जूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप क्या करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये दिया हुआ, देखो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ओपन एंड क्लोज हॉटकीज़। ओपन एंड क्लोज हॉटकीज़ के लिए यहाँ पे F7 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। या आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसमें हमारे लिए यहाँ पे है वीडियो का ऑप्शन। वीडियो के ऑप्शन में क्या करना है आपको, अगर आप MP4 यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप MP4 पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, FLV भी है हमारे पास, AVI भी है यहाँ पे, यहाँ पे AVI MG4 है, यहाँ पे AVI XVID भी है और WMV भी है। दोस्तों AVI जो है वो तो मोस्टली आप देख पाते हैं कि जो मूवीज़ होती हैं उनके लास्ट में AVI लगा होता है या एक्सटेंशन लगा होता है, और आपने WMV भी देखी होगी जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा MP4 का ही इस्तेमाल करें, वही आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए यूज़र डिफाइन में आप अगर कोई भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो पर मिनट आप कितनी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अगर आप हाइस्ट करना चाहते हैं तो आपकी हर मिनट में 60 MB की रिकॉर्डिंग होगी, उसके अलावा 30 की, मीडियम में आपको 20 की मिलेगी, लोअर में आपको 15, उससे कम में आपको 10 की, और यूज़र डिफाइन में भी आपको 10 MB पर मिनट की जो स्पीड है वो दिखेगी। दोस्तों आप यहाँ से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वीडियो के लिए, आप कितना करना चाहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो दिया हुआ है वो हमारे पास 1280x720 में यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर हमें देखिए FS दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप जितना भी यहाँ पे सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसका दोस्तों आप किस जगह पे अपने दोस्तों उसके बाद आप कहाँ पे वीडियो सेव करना चाहते हैं वहाँ से आप इस ऑप्शन से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप दोस्तों अगर आपको ये कहीं पे भी आप वीडियो जो बनाते हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ जाके रिकॉर्ड हो जाए या फोल्डर उसका वहाँ बने, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर एफ फोल्डर में कर रखी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हम जाएंगे दिस पीसी में, दिस पीसी में जाने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे यहाँ पे सी ड्राइव दिया है, डी दिया है, डाटा ड्राइव ई दिया है और एफ दिया है। मैंने एफ के अंदर दोस्तों इसको रिकॉर्ड करना है, तो मैंने एफ के अंदर जो मेरा फोल्डर मैंने यहाँ पे बना रखा है स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बना रखा है फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से। जब मैं इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दूँगा तो मेरे जितने वीडियो यहाँ पे बनाए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो मेरा फोल्डर है एफ ड्राइव में और फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर के अंडर वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब रिकॉर्ड कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपका जो वीडियो है वो कहाँ पर बनाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो का, ऑडियो में आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो कंप्यूटर साउंड एंड माइक्रोफोन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर साउंड को कर सकते हैं या माइक्रोफोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं माइक्रोफोन रखता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आप भी यही कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पर हाई रख सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर वाटर मार्क है, तो यहाँ पर कोई वाटर मार्क नहीं है, आप कोई वाटर मार्क यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा जो है वो फ्री वर्जन है, फ्री वजन में यहाँ पर वाटरमार्क आपको नहीं मिलेगा करने के लिए। कर्सर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कर्सर के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि लेफ़्ट क्लिक के लिए आपको ये ऑप्शन होगा रेड और लेफ़्ट डबल क्लिक के लिए आपको ब्लू, ठीक है दोस्तों। आप इसमें से अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो इजीली कर सकते हैं, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन शॉट का एक ऑप्शन है, अगर आप स्क्रीन शॉट कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, BMG करना चाहते हैं, JPG करना चाहते हैं या फिर PNG करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे PNG जो वो बेस्ट है। उसके अलावा इसकी आउटपुट, इसका फोल्डर आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं, जो भी आप स्क्रीनशॉट लें उसका आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के लिए बताया था, आप सेम एट इसके लिए भी कर सकते हैं, आप वेब ड्राइव में जा सकते हैं। वेब ड्राइव में जाने के बाद
यहाँ पे जितने भी फोल्डर, जैसे कि मैंने इसको फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ, आप उस पर क्लिक करके यहाँ से इसको इजीली ओके कर सकते हैं। और जो भी आपके फोल्डर होंगे या जो भी आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेंगे वो आपके इस फोल्डर में जाके इंस्टॉल हो जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फाइल लेंथ लिमिटेशन दोस्तों, यहाँ पर आप ये जो 60 सेकेंड्स यानी 10 मिनट का जो आपका है, इस पर आप फ्री ट्रायल के जो वीडियो है इस पर बना सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा आपको अगर वीडियो लंबा बनाना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो वर्जन है वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 10 मिनट तक आप वीडियो इस पर आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट की इशू नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ हॉट कीज दी हुई हैं, स्टार्ट के लिए आप ये वाली हॉट कीज यूज़ कर सकते हैं, पॉज के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा स्टॉप के लिए आपको कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F3 करना है, स्क्रीन शॉट के लिए आपको कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F4 करना है, और ये पॉज के लिए कंट्रोल आल्ट प्लस F2, और स्टार्ट के लिए कंट्रोल आल्ट प्लस F1 आप यहाँ पर करना है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको यहाँ पर मैं सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। होपफुली जो आप स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर डाउनलोड करेंगे वो आप वर्जन देख लेना है, 10.7 वर्जन हो या इससे हाई हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों इसमें एक ड्रॉबैक यही है कि अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग इसमें नहीं कर सकते हैं, आपको अगर उससे ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग करनी है तो आप उसके लिए आपको इसका जो वर्जन है वो है परचेज़ करना पड़ेगा। परचेज़ करने की दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर जाके इसका परचेजिंग का आप सिस्टम देख सकते हैं, आपको कितने में ये पड़ेगा, आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो आप फ्री के लिए यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप इसे इजीली यहाँ से 10 मिनट का वीडियो आप इसको बना सकते हैं, इसके लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ कि आप इस पर कैसे एक वीडियो बना सकते हैं। उसके लिए मैं इसको फिर से आपके लिए यहाँ पे चालू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल ये रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जो है वो क्लॉक कर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है, काउंट डाउन रिकॉर्डिंग के लिए आप कितना यहाँ पर टाइम देना चाहते हैं, सपोज कि मैं यहाँ 5 सेकेंड का ऑप्शन दे दिया तो यहाँ देखिए 5 सेकेंड चालू होने के बाद आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों मैं आपको क्या दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ पर कि आप फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर में जाने के बाद आपने जो डाउनलोड किया था आप उसको कैसे वापस लेके आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको आपको बाहर लाना दिखाऊंगा, जैसे कि मैं इसको यहाँ से